मेरी बाइक चल चुकी है 6000 किलोमीटर, तो आज मैं जा रहा हूँ इसकी सर्विस करवाना है। तो ये रहा सर्विस सेंटर। तो टाइम टाइम पे आपको चेन का कवर खुलवाना चाहिए, और ये देखिए इसमें इतनी मिट्टी जमी हुई है, इसे क्लीन करवाना चाहिए। तो ये हमारी एक्सपल्स 204V जिसकी आज मैंने करवाई थर्ड सर्विस। सो हे व्हाट्सअप, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हो सारे, आई होप सारे बढ़िया होंगे। मेरी बाइक चल चुकी है 6000 किलोमीटर, तो आज मैं जा रहा हूँ इसकी सर्विस करवाना है। सर्विस कराते हैं और मैं इसके लिए काफी सारी एसेसरीज भी लेकर आया हूँ, तो वो नेक्स्ट ब्लॉग में हम लगाएंगे, क्योंकि मैंने कहा पहले सर्विस करवा देते हैं और बाकी का काम फिर आगे करेंगे। फुल कस्टमाइज करेंगे अपनी बाइक को, मॉडिफिकेशन करवाने वाले हैं इसकी, काफी प्यारी मॉडिफिकेशन। अभी जा रहे हैं हम जोगीवाला सर्विस सेंटर। सर्विस सेंटर में क्या कॉस्टिंग आती है, थर्ड सर्विस होनी है इसकी आज, तो थर्ड सर्विस में कितना प्राइस आएगा, कितनी कॉस्टिंग आती है, मैं आज आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा। मुझे लगता है 1500-1600 रुपए के करीब ही थर्ड सर्विस चार्ज आएगा विद इंजन ऑयल। देखते हैं क्या सीन रहता है। वहाँ पे है पारस भाई, तो पारस भाई से ही सारा काम करवाएंगे। तो काफी दिनों से बाइक खड़ी होने के कारण मैंने इसमें पेट्रोल नहीं डलवाया था, क्योंकि धूप में बाहर रहती है तो पेट्रोल उड़ जाता है। तो अभी हम पहले इसमें पेट्रोल डलवाएंगे और फिर सर्विस सेंटर जाएंगे। तो पेट्रोल भरवा लिया है, हम निकलते हैं यहाँ से। तो ये रहा 9 मोटर्स हीरो सर्विस 3 योगेश। तो ये रहा सर्विस सेंटर। ये रहे हमारे पारस भाई। पारस भाई आज सर्विस करेंगे गाड़ी की। तो ये रही अपनी बाइक, जो कि आज चमक जाएगी, काफी गंदी हो चुकी है, मैंने काफी टाइम से धुलाई भी नहीं बाइक, आज सर्विस हो जाएगी तो खुद ही धुल जाएगी गाड़ी। तो जॉब कार्ड खोल दिया है और अभी टेस्ट करेंगे भाई बाइक को, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। वैसे तो दिक्कत कुछ नहीं है, बट फिर भी देखा जाएगा आज। तो आज होगी हमारे गाड़ी की सर्विस और नीचे आ चुकी है गाड़ी, ये देखिए नीचे आ चुकी है, तो आज इसका पूरा काम करवाएंगे। क्या क्या होगा सर्विस में? एयर फिल्टर, फ्यूल वगैरह चेक होएगा, सारा सिस्टम वगैरह चेक करना पड़ेगा। मेजर काम तो कुछ नहीं होगा, नॉर्मली होगा, नॉर्मल काम है सारा, क्योंकि पहली सर्विस में जो होता है काफी काम करना पड़ता है, सेकंड सर्विस में जो है थर्ड सर्विस में इतना काम नहीं करना पड़ता है, बाकी जो भी होगा आपके सामने करते रहे। तो अभी गाड़ी चढ़ा दी है और आज इसमें सारा काम होगा। तो हमारा फिल्टर हो चुका है ख़राब, तो नया फिल्टर डाला जा रहा है, ये देखिए। पुराने वाला दिखाइए थोड़ा, ये देखिए पुराने वाले की कंडीशन और नए वाले की कंडीशन देखिए। तो नया फिल्टर डाला जा रहा है, एयर फिल्टर। ये काफ़ी ठंडा हो गया, बहुत गर्मी ऊपर से ना, लड़के को देना क्लीन करके दे देना, ऊपर से रेफ्रेशनर मार देना, ठीक है, बोल देना से क्लीन कर देना। ओके ओके, तो ये आप देख सकते हो कितनी ज्यादा इसमें मिट्टी फंसी हुई है, और इसको अभी ऊपर दे रहे हैं क्लीन करवाने के लिए। तो टाइम टाइम पे आपको चेन का कवर खुलवाना चाहिए, और ये देखिए इसमें इतनी मिट्टी जमी हुई है, इसे क्लीन करवाना चाहिए, वरना इससे क्या होता है काफी ज्यादा चेन नॉइस करती है और उसमें मिट्टी से काफी दिक्कतें आने लगती है। तो ये चीज आप जरूर ध्यान दीजिए सर्विस में, अगर आप लोग नहीं बोलोगे तो बहुत कम चांसेस में वो खोला जाएगा पार्ट। आप लोगों को बोलना है हमारा चेन कवर खोलिए और साफ कीजिए। अब ये हो चुका है क्लीन, थोड़ा बहुत तो रहेगा, बट आपको टाइम टाइम पे इसे क्लीन करवाना बहुत ज़रूरी है। तो ये होता है इंजन ऑयल हीरो एक्सोटिक 10W30, तो ये डाला जाएगा, 1250 का होता है इंजन ऑयल, 1 लीटर है ना, 350 है, 1350। तो सर्विस कंप्लीट हो चुकी है, हवा वगैरह चेक करेंगे और फिर वॉशिंग के लिए चली जाएगी गाड़ी। तो ज़्यादा कुछ नहीं होता है, क्योंकि मेजर प्रॉब्लम तो कुछ थी नहीं गाड़ी में, सर्विस थी और ऑयल वगैरह चेंज हुआ, फिल्टर चेंज हुआ, ऑयल फिल्टर भी चेंज हुआ होगा नहीं, स्क्रीन फिल्टर होता है। अच्छा, स्क्रीन फिल्टर होता है। तो मुश्किल से मुश्किल 1 घंटे में हो गई सर्विस।
चला के देखेंगे क्या सीन है। हो गई ये पेमेंट, 1468 का मेरा बिल आया है थर्ड सर्विस का, तो बिलिंग हो चुकी है। 1468 का मेरा बिल आया है, ये देख सकते हो आप, काफ़ी रिजनेबल प्राइस में यहाँ पे सर्विस हो गई है और पारस भाई ने जल्दी से जल्दी काम करवा दिया। थैंक यू सो मच भाई जी। आप लोग भी अगर आओ तो पारस भाई से डायरेक्ट मिल सकते हो, आप लोगों का काम भी जल्दी हो जाएगा। तो धुलने के बाद बाइक बिल्कुल ब्रांड न्यू लगती है और सर्विस ऑलमोस्ट हो चुकी है, बस पॉलिश करनी बाकी रह गई है। तो ये रही अपनी एक्सपर्स 204 भी, 6000 किलोमीटर वाली सर्विस आज हो चुकी है थर्ड सर्विस। और देखिए बाइक में ज़्यादा कुछ काम तो हुआ नहीं, बस एयर फिल्टर चेंज हुआ, मेरे एयर फिल्टर गंदा हो चुका था तो उस वजह से बस वही पार्ट चेंज हुआ, बाकी ऑयल चेंज हुआ है, बाकी कुछ सर्विस में ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है, नॉर्मल सर्विस हुई है। अभी भाई बाइक को चमका रहे हैं बढ़िया से, पॉलिश को साफ़ किया जा रहा है क्योंकि पानी और पॉलिश लगी हुई होती है, तो उस वजह से आप साफ करेंगे और फिर मैं चले जाऊंगा घर के लिए वापस। तो हो गई है गाड़ी की सर्विस और देखिए बिल्कुल चमकती हुई आज, ये है गेट पास। तो ठीक है पारस भाई, थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर जल्दी। सर्विस के बाद हो जाती है गाड़ी एकदम स्मूथ और चलाने के बाद पता चलेगा कोई दिक्कत तो नहीं है। वैसे तो गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं आ रही थी बट फिर भी चले अंकल। तो मेरा खर्चा आया है 1450 रुपये का, वो भी थर्ड सर्विस में, तो काफ़ी रिजनेबल प्राइस है वैसे, क्योंकि 1250 का तो इंजन ऑयल था और एयर फिल्टर मेरा चेंज हुआ तो 1450 पहुंच गया बिल, वरना 1250 में हो जाती है सर्विस। पर हीरो की सर्विस काफ़ी रिजनेबल प्राइस में हीरो सर्विस कर देता है और गाड़ी में बिल्कुल कोई कमी नहीं है। और ये शोरूम अच्छा है, टाइम पे हमारी मतलब हमारी प्रॉब्लम्स को समझता है, हमारी प्रॉब्लम्स को तुरंत ठीक कर देता है। लास्ट टाइम मेरे स्पार्क प्लग में प्रॉब्लम आ रही थी, वो भी इन्होंने तुरंत ठीक कर दी थी। मेरी दोस्त वाली एक्सपल्स में भी प्रॉब्लम आई थी, वो भी उन्होंने तुरंत ही ठीक कर दी थी। तो ये अच्छी चीज़ है, हीरो की सर्विस बहुत अच्छी है। अगर आप लोग ये बाइक लेने का प्लान कर रहे हो तो मस्ट गो फॉर इट, क्योंकि 1.5 लाख के बजट में इससे अच्छी बाइक आपको मिल नहीं सकती। ऑफ रोडिंग के पर्पज से काफ़ी अच्छी बाइक है। तो ये हमारी एक्सपल्स 204 वी, जिसकी आज मैंने करवाई थर्ड सर्विस, और थर्ड सर्विस में ज़्यादा कुछ तो हुआ नहीं, ऑयल चेंज वगैरह हुआ। और सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने आपको दिखाई थी, चैन के आगे एक कवर रहता है, उस कवर को आपको टाइम टाइम पे वॉशिंग करवानी है, क्लीनिंग करवानी है, क्योंकि वो बहुत नॉइज़ क्रिएट करता है और चैन उससे ख़राब भी होती है, धूल मिट्टी वहाँ जम जाती है, तो वो चीज़ आपको चेंज करवानी है। तो अभी मैं पहुँच चुका हूँ जोगीवाला चौक। तो ये रही अपनी एक्सपल्स 204 वी जो हो चुकी है सर्विस, और कल इसमें लगा देंगे हम कैरियर असेंबली, हेडल स्टे और काफ़ी सारी चीज़ें। तो आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं ऐसे कंटेंट के साथ आगे, तब तक के लिए बाय बाय।